आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी क्लास 12 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और टेंजेंट नॉर्मल के बेसिक बताए हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, y इक्वल टू 1/x-1, y इज इक्वल टू 1/x-1 हैविंग स्लोप -1। तो आपका टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है इस कर्व को। ये सोचिए कि ये इस कर्व का इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू 1 इसका फिगर है और इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालनी है। ये पॉइंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट, इस पॉइंट को मान लीजिए कि अल्फा बीटा है, इसका डी वाई बाई डी एक्स आप चाहें तो कोशेंट रूल लगा के निकाल लें या फिर आप ऐसे ही कर दें इसको, इसको लिख दीजिए x-1 to the power -1, तो ये हो जाएगा -1 x-1 to the power -1 -1 और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 1-0, तो ये आ गया आपके पास -1/x-1 square। अब आप ये dy/dx जो निकालनी है हमें, ये अल्फा बीटा पे निकालनी है, तो हम लिखेंगे dy/dx एट अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/α-1 square। पर ये जो स्लोप गिवन है, तो ये आपको गिवन है कि इसका स्लोप किसके बराबर है, -1, और ये किसका स्लोप है, ये आपने देखा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वेटेड विद -1। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको इधर भेज दें तो ये आपके पास हो गया 1 is equal to α-1, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 is equal to α-1 whole square, α-1 whole square is equal to 1, तो ये आपके पास आएगा α-1 is equal to ±1। एक बार आप +1 ले लें और दूसरी बार -1 ले लें तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप एक बार +1 ले लें माइनस ले लें तो α-1 is equal to 1, α is equal to 2, α-1 is equal to -1, तो α is equal to 0। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो कर्व था, इस पे जो पॉइंट था अल्फा बीटा, ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन क्या है, y is equal to 1/x-1, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा। तो इसको भी जब सेटिस्फाई करेगा तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/α-1। अब अल्फा की ये जो वैल्यू है, एक बार हम इसमें डालेंगे और एक बार ये अल्फा की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे। तो जब दो पॉइंट्स आएंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 2, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2-1 विच इज़ 1, और जब अल्फा की वैल्यू हमने 0 डाली है तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/0-1, तो ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू -1 और ये बीटा की वैल्यू 1 है। तो पॉइंट हुआ हमारे पास, पॉइंट्स हैं आपके पास 2, 1 और दूसरा पॉइंट है 0, -1। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह से निकलेगी, क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन, y-β लिखी हुई है मैंने, आप देखिए इक्वेशन लिखी हुई है y-β is equal to, यहाँ पर आएगा dy/dx या फिर यहाँ पर इसका स्लोप आ जाएगा जिसे लास्ट ईयर तक आपने m कहा था, या तो ये आएगा या फिर ये आ जाएगा, क्योंकि हमें इस केस में स्लोप दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ था, क्या दिया था स्लोप -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, दो इक्वेशंस आएंगी, पहली आएगी एट 2, 1, दूसरी आएगी एट 0, -1, तो ये इक्वेशन होगी 2, 1 पे उस फॉर्मूले से y-1, स्लोप आपको -1 दिया है, आप देखेंगे
एक्स माइनस टू और इस पॉइंट पे रखेंगे तो वाई माइनस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस जीरो। अब आप चाहेंगे कि इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री और इसको लिख देंगे आप तो ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई और ये उधर चला जाएगा या फिर इसको इधर रहने दें। तो ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें आपको स्लोप वन माइनस वन की जगह स्लोप टू दिया हुआ है और ट्वेल्थ में स्लोप जीरो दिया हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ट्वेल्थ इलेवेंथ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, पर मैं एक उसकी आपको छोटी सी आउटलाइन दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 का आपका कर्व है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। फिर आप इस पे अल्फा बीटा डालेंगे तो ये आपका अल्फा बीटा डालने से हो जाएगा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस थ्री होल स्क्वायर और जो आपको स्लोप दिया हुआ है वो स्लोप दिया है टू, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट टू, तो ये हो जाएगा टू। तो ये माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू अल्फा माइनस इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू है तो ये टू होल स्क्वायर अल्फा माइनस सॉरी थ्री है। आप इसको इधर भेज दें माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू अल्फा माइनस थ्री होल स्क्वायर, पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है और स्क्वायर नेगेटिव फाइंड ऑल इक्वेशन ऑफ हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। तो दिस कर्व का ये डी वाई बाई डी एक्स ये है ये है ये है और इज इक्वल टू टू, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, तो देयर विल बी नो सच टेंजेंट, नॉट पॉसिबल, तो देयर विल बी नो सच टेंजेंट। मैं एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी रेक्टिफाई हो जाए। यस इट इज़ ट्रू, नो टेंजेंट टू द कर्व उस स्लोप इज टू। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हमने इसे डिस्कस अभी कर लिया। ट्वेल्थ क्वेश्चन है जिसमें स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स स्लोप ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप जीरो विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। तो कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है, क्वेश्चन है ये ट्वेल्थ, तो कर्व है y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। आप चाहें तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन ट्रू लगा दें या फिर इससे भी अच्छा उपाय है आप ऐसा लिख देंगे और इसमें क्या बोला है कि स्लोप किसके बराबर है, जीरो के बराबर है और आपको क्या निकालना है, टेंजेंट्स निकालनी है, टेंजेंट्स निकालनी है और स्लोप किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना मतलब इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल टू द पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स माइनस टू इज इक्वल और थ्री का जीरो। इसको आप लिख पाएंगे माइनस टू कॉमन ले लें चाहें तो आप एक्स माइनस वन और अपॉन में इसको भेज दें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर और अब आपको या तो आप डायरेक्ट इसको जीरो रख दें या फिर आप डी वाई बाई डी एक्स में क्या रख दें, अल्फा बीटा रख दें। अगर आप इसको डायरेक्ट जीरो रख देंगे तो ये इधर चला जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा वन आएगा, ये एक्स का वैल्यू वन आप इसमें डाल दें, इस इक्वेशन को नंबर दे दें वन, तो इन वन पुटिंग इन वन पुटिंग इन वन अगर आप इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो देखिएगा y की वैल्यू आएगी आपके पास वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री, तो वन प्लस थ्री होगा फोर, फोर माइनस टू इज टू, तो ये y की वैल्यू आ गई है आपके पास वन अपॉन टू। तो पॉइंट आपका होगा देयरफॉर द पॉइंट इज
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं उसके, उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 1, 1/2। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो देयरफॉर टेंजेंट विल बी, ध्यान से सुनिए, टेंजेंट क्या होगी, तो टेंजेंट होगी इसकी, ये फार्मूला लगेगा, लेकिन पॉइंट कौन सा है आपका, टेंजेंट एट 1, 1/2। और स्लोप कितना है उसका, तो आपको उसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना है, जीरो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा वाई माइनस बीटा, व्हाट इज बीटा हियर, तो बीटा है आपका 1/2, स्लोप है आपका जीरो, एक्स माइनस वन, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको लोग एक्सक्लूसिवली भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लिखा है पॉइंट्स ही निकालने हैं आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। जब मैं पॉइंट्स बोलूं तो पॉइंट्स ऑन द कर्व ही है, ऑन द कर्व दी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, और एट विच टेंजेंट्स आर, एट विच कंडीशन भी दी है हमें, एट विच टेंजेंट्स आर, पहला दिया है आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा दिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे दो केसेस दिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा जीरो, और अगर वो पैरेलल है वाई एक्सिस को तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले एक काम करें, इसको नंबर दे दें 1, और इस 1 की हेल्प से आप क्या कर दें, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप इसको ऐसे समझें ताकि आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत ना आए। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 2x प्लस 1/16 2y dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और 1 का 0, तो इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, आप इसको उधर भेज दें तो ये जाएगा माइनस 2/9x, फिर इसको आप 2/16 को नीचे भेज दें तो ये जाएगा 2/16 y, 2 कैंसिल हो गए, ये आपका आ जाएगा माइनस 16y अपॉन 9x, माइनस 16y अपॉन 9x, ये इसका स्लोप है, लेकिन हमको क्या दिया है कि इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप कितना होगा, जीरो, मींस dy बाई डी एक्स जीरो से इक्वेट करेंगे। तो सिंस लाइन या टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये पहले वाले पार्ट का आंसर दे रहे हैं हम, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, देयरफॉर इट्स स्लोप इज जीरो, इट्स स्लोप इज जीरो, इसका स्लोप जीरो होगा। तो अगर इसका स्लोप जीरो होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर आप जीरो से इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 y अपॉन 9x इज इक्वल टू जीरो, ये इधर भेज दें, y की वैल्यू आ जाएगी जीरो, उस वैल्यू जीरो को आप इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन वन, उसको आप वन पे पुट कर दीजिए, पुटिंग इन दिस, पुटिंग इन वन, जैसे ही आप इसमें वन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू जीरो रखने से आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या होती है आपकी, y की वैल्यू जीरो रख दी आपने यहाँ पर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 3, तो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, पॉइंट्स विल बी, ये पहले पार्ट का आंसर है, पॉइंट्स विल बी, वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे प्लस माइनस 3 कॉमा
y जीरो है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। सेकंड केस है, जब लाइन किसको पैरेलल है, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू किसको है, इस बार एक्स एक्सिस को नहीं है, और ये वाला आंसर कौन सा है, सेकंड है। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। अगर इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा तो ध्यान से सुनिए, इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा तो हमको इनको दोनों को, ध्यान से सुनिए, इसको दोनों का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 9x अपॉन माइनस 16y और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0, इसको आप उधर भेज दीजिए। जब आप उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0। पुटिंग इन, इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, इस वाली में पुट कर दीजिए, एक्स की जगह 0। जब आप एक्स की जगह 0 रखेंगे तो दूसरे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। तो जब एक्स की जगह आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। देयरफॉर पॉइंट्स आर, इस केस में पॉइंट्स क्या आए हैं हमारे पास, पॉइंट्स आए हैं 0 कॉमा प्लस माइनस 4 इस केस में दोस्तों। और अभी 16 मिनट हुए हैं, काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं, पॉइंट से 0 कॉमा प्लस माइनस 4। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 13 क्वेश्चन देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पांच पार्ट है, सॉरी हम देखते हैं इसमें से तीन पार्ट की इक्वेशन निकालता हूँ मैं, दो पार्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप करेंगे, और तीनों में हमें टेंजेंट भी निकालनी है, नॉर्मल भी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 14 का फर्स्ट पार्ट है, आपको टेंजेंट भी निकालनी है, नॉर्मल भी निकालनी है। वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ और प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। पॉइंट आपको दिया है एट 0,5, तो ये तो आपके अल्फा बीटा हो गए। सबसे पहले क्या निकाल दें आप, सबसे पहले आप निकाल दें dy/dx। dy/dx क्या होगा, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। कैलकुलेशन काफ़ी नहीं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि x की जगह 0 रखना है हमें, तो 0,5 रखेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो केवल हमारे पास आ जाएगा माइनस 10। तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी दोस्तों इस केस में, इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है हमारे पास, एट 0,5, तो अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, बीटा की जगह 5, और dy/dx का वैल्यू ये है, माइनस 10x को उधर लाइए आप, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपका टेंजेंट है। और अगर दोस्तों नॉर्मल, इसीलिए मैंने इनको रब नहीं किया, इसमें रख देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, y माइनस 5 माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू, ये dy/dx का रेसिप्रोकल और माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल और माइनस 1, x माइनस 0, आप इसको उधर भेज दें तो हो जाएगा 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, या आप चाहें तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, तो x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दोस्तों नॉर्मल है, और ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, 14 का सेकंड बिल्कुल इसी के जैसा है, और थर्ड भी इसी के जैसा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और 1,1 है हमारे पास पॉइंट, बहुत आसान है, थर्ड और सेकंड दोनों एक जैसे हैं, फोर्थ में थोड़ा चेंज है, तो फोर्थ वाला हम देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0,0, तो ये 0,0 आपके कौन हो गए, ये आपके हो गए अल्फा बीटा। देखिए इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, dy/dx ये हो जाएगा आपका 2x। अब आप अल्फा बीटा पे निकाल लें, तो अल्फा बीटा कौन है आपके, 0,0, तो 0,0 है तो ये हो जाएगा आपका 2×0, 2×0 कितना हो गया आपका 0, तो टेंजेंट आ गया आपका, क्या आएगा टेंजेंट, y माइनस बीटा,
जीरो, डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपका जीरो, और एक्स माइनस जीरो, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू जीरो। अब आप नॉर्मल निकालने जा रहे हैं, तो नॉर्मल निकालने के लिए आप ध्यान से सुने, y माइनस जीरो, ये स्लोप है इसका माइनस वन अपॉइंट जीरो, आप चाहें तो आप जीरो को उधर भेज देंगे, तो एक तरीका है ये, तो ये हो जाएगा आपका जीरो और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस एक्स, माइनस को उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ वन अपॉइंट जीरो नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, वन अपॉइंट जीरो है, मान लीजिए कि इसका स्लोप जीरो है, किसका स्लोप जीरो है, टेंजेंट का स्लोप जीरो है, ये किसका स्लोप आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, तो दूसरा एक तरीका है आपके लिए, ये नहीं चाहते तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ध्यान से सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, जीरो, तो लाइन किसको पैरेलल होगी, लाइन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के वन, और नॉर्मल क्या होगा, एंड नॉर्मल विल बी पैरेलल टू, अगर टेंजेंट आपकी ध्यान से सुनो, टेंजेंट का स्लोप जीरो है और टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो नॉर्मल, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस को ऐसी पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगी, वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, नॉर्मल विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस को पैरेलल है तो x की जगह क्या होगा, कांस्टेंट, तो मान लीजिए वो k2 है। अब ये पास किससे हो रही है, पासेस थ्रू, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट किससे पास हो रही है, तो टेंजेंट इससे पास हो रही है जीरो जीरो से, तो यहाँ जब जीरो रखेंगे तो k1 का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, तो जो k1 की वैल्यू है जीरो वो यहाँ डाल देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू जीरो, और इसी तरीके से ये भी किससे पास हो रही है, ये भी जीरो जीरो से पास हो रही है, तो जब जीरो जीरो डालेंगे तो k2 का वैल्यू जीरो आ जाएगा, अगर k2 का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब, तो दोनों तरीके हैं, तो देयर आर टू चॉइसेस, है ना, आप इधर ऑफ विच यू कैन चूज, दोनों में से आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। ये था 14th का फोर्थ पार्ट, जो थोड़ा सा अलग दिख रहा था, अब ध्यान से सुनना है आपको, 14th का फिफ्थ पार्ट है, ये नॉर्मल है, 14th के फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, x की जगह दिया है cos t, इसमें भी हमें निकालनी है इक्वेशन नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की, ये 14 का फिफ्थ पार्ट है, 14 का फिफ्थ पार्ट, x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, और t की जगह क्या रखना है हमें, पाई बाय 4, तो अल्फा बीटा इससे निकल आएंगे आप, t की जगह पाई बाय 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, ये cos पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2, ये आपका अल्फा बनेगा, ये क्या बनेगा आपका अल्फा, और इसमें रख देंगे आप तो ये आपका बनेगा बीटा, तो आपका अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आपका हो गया है 1/√2, 1/√2। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए सबसे पहले आप निकाल लें डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी cos t, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा आपका dy by dt upon dx by dt, cos t upon minus sin t, cos t upon minus sin t, पर हमें क्या निकालनी है dy by dx की वैल्यू, तो dy by dx की वैल्यू भी निकालनी है हमें t is equal to pi by 4 पे, तो मैं t की जगह क्या डाल दूं, इसमें पाई बाय 4 डाल दूं, या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं dy वाई बाई डी एक्स, आपका dy वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, टी की जगह पाई बाय 4 डाल दें, तो ये हो जाएगा माइनस
कॉट पाई बाय फोर माइनस कॉट पाई बाय फोर, और कॉट पाई बाय फोर का वैल्यू होता है माइनस वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। तो अब हमें दोस्तों टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ये अल्फा बीटा है और ये डी वाई बाय डी एक्स है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू माइनस वन दिस इंटू एक्स माइनस वन बाय रूट टू। अब आप इसको ओपन कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू। और नॉर्मल की इक्वेशन इससे निकाल लें आप, कैसे निकलेगी, y माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ये माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन बाय रूट टू, या वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट। अब 15th है आपके पास, 15th में भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, दो कंडीशन है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है पर आसान है। देखिए, फाइंड दी टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है 15th, टेंजेंट टू क्या है, कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन। और पहली कंडीशन दी हुई है इसमें एक पैरेलल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, दूसरी कंडीशन दी है परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। देर आर टू कंडीशन, इन फर्स्ट कंडीशन टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस x, और हमें टेंजेंट की ही इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर सा अज्यूम कर ले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, इस पे ये पॉइंट ले लेते हैं अल्फा बीटा, जैसे हम पहला वीडियो अगर आपने देखा हो जिसमें पॉइंट्स निकालते थे उसी तरह से। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बीटा में हो जाएगी टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू। अब हमें ये टेंजेंट दिए इसके पैरेलल है, किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है, टू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। कैसे पता चला, तो एक आपको याद हो कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आपने क्लास 11 में देखा होगा इज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। एक और तरीका है आपको, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 डी वाई बाई डी एक्स 9 का 0 इज इक्वल टू 0, और इसको आप उधर भेजेंगे या आप इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका भी स्लोप डी वाई बाई डी एक्स से निकल सकता है। तो मैंने तीनों चर्चा कर ली आपसे, तीसरी चर्चा वो है जिसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपसे शायद सॉरी मैंने नहीं कर पाया था, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में भी बदल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू टू एक्स प्लस नाइन, तो उससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, उसका स्लोप 2 आएगा। तो तीन तरीके बता दिए मैंने आपको, एक तरीका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरा तरीका और डी वाई बाई डी एक्स तीसरा तरीका। अब ये दोनों आपस में दोनों क्या हैं, एक दूसरे को पैरेलल हैं। ये मान लीजिए ये टी लाइन है, ये लाइन एल है, T इज़ पैरेलल टू L। अगर T L को पैरेलल है
तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वेट कर दो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इसका स्लोप है 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 से इसको उड़ा दीजिए तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। तो अब हमें दोस्तों अल्फा की वैल्यू के लिए बीटा की भी वैल्यू निकालनी होगी, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये सारा कुछ ठीक है, ये मैं रब कर दूं या मैं ऊपर के पोर्शन पे लिख देता हूं। ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट की इक्वेशन, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको, और इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं रब कर देता हूं। हमें केवल टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये, हमारे पास अल्फा की वैल्यू दोस्तों प्लस माइनस रूट 2 है और बीटा की निकालना है, तो आप देखो सिंस क्या लिख सकते हैं हम, तो सिंस अल्फा बीटा लाइंग ऑन दिस कर्व, इसको नंबर 1 दे दीजिए, लाइंग ऑन 1, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7। अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो आई है तो देखें, इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू आई है 2 अल्फा की प्लस माइनस रूट 2, तो पहले आप अल्फा की जगह प्लस रूट 2 रख देते हैं, अल्फा की जगह प्लस रूट 2 रख देते हैं, तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 7, तो ये जाएगा 9 माइनस 2 रूट 2। और दूसरा है आपके पास, ओ माई गॉड, इसके डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 अल्फा 2x माइनस 2, तो ये 2 अल्फा माइनस 2, तो ये 2 अल्फा माइनस 2, तो ये अल्फा का वैल्यू आएगा आपके पास 2 आएगा ओनली। ओ माई गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, अल्फा का वैल्यू 2 आएगा, तो जब अल्फा का वैल्यू केवल 2 आएगा तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो होगी 4 माइनस 4 प्लस 7, तो 7 आ जाएगी, तो पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट आ गया 2,7। तो पॉइंट जब 2,7 आया तो टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलेगी, तो टेंजेंट क्या होगी हमारे पास, ये होगी, तो देयरफॉर द टेंजेंट विल बी y माइनस 7 इज इक्वल टू dy बाई dx, जो है इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप किसके बराबर दिया आपको, ये वाला स्लोप भी ले सकते हो l का, ये वाला स्लोप, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे 2 ले ले और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 7, आप इसको सबको इधर ट्रांसफ़र कर लें, ये इसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर लाइन किसको पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को, लेकिन अगर ये इसको परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिए, अगर t इसको परपेंडिकुलर है इस लाइन को, दूसरा केस, तब क्या होगा, अगर t किसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम रख देते हैं हम m, ये इक्वेशन है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा m का माइनस कोफिशियंट ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 15 कोफिशियंट ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, t इज परपेंडिकुलर टू m है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस 1, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप, इसका और इसका, 2 अल्फा माइनस 2
इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 1। तो आप इसको क्या लिख सकेंगे, 2 अल्फा माइनस 2, 3 को नीचे जाने दें तो ये जाएगा माइनस 1/3, और अगर ये माइनस 2 को उधर भेज दें तो ये प्लस 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लें तो ये 5/3 हो जाएगा, फिर नीचे जाने दो तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 5/6, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 5/6, अल्फ़ा की वैल्यू 5/6। और बिल्कुल वही बात कि अल्फ़ा बीटा लाइंग ऑन 1, तो देयरफॉर दिस बीटा विल बी दिस, पर अल्फ़ा इस बार चेंज हो गया है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 5/6 होगी। तो 5/6 रख के थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि एक छोटा सा परपेंडिकुलर टू दिस है, सही है। तो बीटा की वैल्यू होगी 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो आपका पॉइंट अब चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बीटा को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अपॉन में 36 है, तो 25/36 10/6। तो इसको अगर 36 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 60/36 प्लस 7 है, तो 7 × 36/36 कर दें ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। अब मेरे ख्याल से इस वाले पोर्शन की ज़रूरत हमें नहीं, तो इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूँ। अब इसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो 25 − 60 ये तो हो जाएगा −35 प्लस 7 × 36। कैलकुलेशन में 7 कॉमन ले लें तो ये जाएगा −5 + 36 / 36, थोड़ा आसान हो गया, 31 हो गया ये 31, तो 7 × 31 को आप ऐसा लिख दें 30 + 1 = 36, तो ये हो जाएगा 7 × 30 = 217 + 1 = 217, सही है, अपॉन 36। तो पॉइंट आ गया आपके पास, 15 का पॉइंट है आपका, पॉइंट आया था अल्फा का वैल्यू 5/6, इसका वैल्यू है 217/36। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालना थी इसमें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y − 217/36 और dy/dx। तो dy/dx इसका था 2α − 2, आपने नोटिस किया होगा 2α − 2 था, और उसमें आपको रखना ये 5/6 − 217/36 x − 5/6, तो ये सॉरी यहाँ y आएगा, तो y − 217/36 इसमें कैलकुलेट कर लें 2 × 5/6 − 2, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कैलकुलेट हो जाएगा जल्दी से x − 5/6। तो बस अब कोई ख़ास बात नहीं बची, केवल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन हम कर देते हैं साथ साथ में ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल आसान है, चिंता बिल्कुल नहीं करें। इसको उधर भेज दें तो 36y − 217/36, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो माइंड मत करिए, 5 × 2 = 10 − 12, 10 − 12 = −2/6, इधर भी ले लें 6x − 5/6, ये 6 × 6 = 36, इसको उड़ा देंगे, ये −12x है उधर भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा 12x + 36y = इधर देखिएगा 2 × 5 हो जाएगा 10 + 10, और ये उधर से आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 227। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 15, जिसके दो पार्ट थे, हमने काफ़ी कुछ किया इसमें,
आपको होपफुली समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख भेजें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है +91968569805656। आप दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें, आपको मिलेंगे। मेरी बेस्ट विशेष हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले क्वेश्चंस अगले वीडियोस में देखेंगे आप। मेरी बेस्ट विशेष हैं, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और भी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन वो बिना आपके क्या। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक बात पहुंचाएं, खुद खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और देश को बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।